Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Aaj hamare paas hai Fbise 9 class New Math 2024 aur isme exercise number 4.1 hai. Question hai hamare paas question number 23. Isme hai 3x square plus 11x plus 6. Isko humne factorize karna hai. तो आइए हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 है. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई देना है. देखें 6 और 3 को हम मल्टीप्लाई देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास बनेगा 18. तो हमने क्या करना है, अब हमने इसको ब्रेक करना है, प्लस 11x को ब्रेक करना है. इस तरह से ब्रेक करना है कि उन दो टुकड़ों में हमने ब्रेक करना है. तो दो टुकड़ों को प्लस माइनस करने से फिर प्लस 11x आए और उनको मल्टीप्लाई देने से ये वाला नंबर आए 18 आए. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को एसीटीस हम लिखेंगे इस तरह से. उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6. तो देखिए हमने क्या किया है, 11x को प्लस 9x और प्लस 2x किया है. अगर इन दोनों को 9 और 2 को मल्टीप्लाई देंगे तो देखें 18 आता है, और इनको अगर हम प्लस करेंगे तो फिर 11x आता है. तो इस तरह से ये दो टुकड़े बनेंगे. अब फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक कामन लेंगे, 3x इन दोनों में कामन है तो आगे बचा x प्लस 3, और इन दोनों में हमारे पास प्लस 2 कामन है देखें, तो आगे बचा एक्स प्लस 3, इनमें भी एक्स प्लस 3 बचा. अब देखें ये एक्स प्लस 3 और ये एक्स प्लस 3 सेम टर्म है, तो हम इन दोनों में से भी एक को कामन लेते हैं. देखें इनमें से हमने एक को कामन लिया तो आगे हमारे पास बचता है 3x प्लस 2. देखें 3x प्लस 2, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. शुक्रिया.